दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी जो है मधुबनी ज़िला के खुटौना थाना अंतर्गत इकहत्था गांव में है, वार्ड नंबर 8 में है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहां जो लगभग 20 साल से या 25 साल से या 30 साल से रोड नहीं बना है, और रोड नहीं बनने की वजह से यहां के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि कोई मैयत हो जाए या किसी तरीका का हादसा हो जाए तो इधर से जाना एक तरह से कह सकते हैं बड़ी ही मुश्किल से यहां के लोग गुजरते हैं। इतना थाल हो जाता होगा, जो मैं अंदाज़ा बता रहा हूं, जो हालात दिख रहा है यहां, कहीं ना कहीं जो है यहां पर बारिश होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है और थाल हो जाता है, उसमें यहां के लोगों को, यहां के निवासी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मासूम छोटा छोटा बच्चा है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं गाँव के, इकहत्था के निवासी हैं, चलिए हम इन लोगों से बात करते हैं और हम आपको पूरी पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो परिचय दे दें अपना। मैं सज्जाद अहमद, वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 8, ग्राम पंचायत पोस्ट इकहत्था। अच्छा, ये बताइए सज्जाद भाई, आप एक वार्ड पार्षद है और इस मुद्दा को उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी खुशी की बात है कि एक प्रतिनिधि होने के बावजूद भी आप इस मुद्दे को, क्योंकि बहुत सारे प्रतिनिधि तो बात को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए कितने साल से ये रोड नहीं बना है? ये जो है इससे पूर्व जो है 3 मुखिया गुजर चुके हैं। अच्छा, ये चौथा मुखिया में जो है ये हाल है, जबकि उसी के टाइम से जो है ये खरंजा बना हुआ है। लमसम 18 साल इसका हो गया। 18 साल हो गया ये खरंजा बने हुए। इसमें जो है कई बार झंझारपुर से भी जो है आए और इसको जो है ये जो सर्वे करके जो है गए, ऑनलाइन सर्वे जी, दो दो बार। उसके बाद में जो है SDO साहब खुद आकर के जो है देख करके गए हैं, जय साहब जो है आकर के फुलपरास से जो है देख करके गए हैं, लेकिन सब यही कहता है एक बार टेंडर तो हो गया, वो टेंडर कोई कारण जो है उसको जो है रद्द कर दिया गया, फिर जो है अभी टेंडर हुआ है, आज बनेगा कल बनेगा। लेकिन यहाँ पे जनता की समस्या हद से ज्यादा है, इसलिए जनता जो है आपके ये में जो है रखा है बात जी। आप जो है सरकार तक के जो है ये बात को जो है पहुँचाइए। अच्छा, यानी कि 18 साल से खरंजा हुआ, 18 साल पहले, उसके बाद रोड बना ही नहीं? नहीं बना है। अच्छा, ये बताइए कितना दिक्कत आप लोगों को होता है? बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। चाचा, ये बताइए कि मौत हो जाती है तो कैसे यहाँ से लाश दिक्कत है निकालने में? बहुत दिक्कत है। अच्छा, थोड़ा दिन तो अच्छा रहा। अच्छा, उसके बाद फिर खराब हो गया रोड। कितना दूर ये रोड खराब रहता है? बहुत दूर तो लगा, कम से कम कितना होगा? 600 मीटर, 600 मीटर, 850 फीट है। अच्छा, ये बताइए कि बरसात के मौसम में खराब रहता है या पूरा साले खराब रहता है? पूरा साले खराब रहता है। अभी देख लिए ना, बरसात ही नहीं है, पूरा थालू है, कभी सूखता ही नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे नेता के? निशानी बनावे नेता जी। जी, कौन मुखिया आपके गांव का? हमका मुखिया अभी मंटू। मंटू, हाँ। अच्छा, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? हम कुछ को तो कहते हैं जल्दी से ये रोड को बनाओ, कितना बार इसको टेंडर किया, मुखिया भी लिख के लगे, हम जीतेंगे तो हम बनावेंगे, आज तक कोई नहीं बनाया। अच्छा, तुम लोग को कितना दिक्कत होता है जी? बहुत दिक्कत होता है। कैसे जाते हो? कादों में जाते हो, समझ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए क्या है? खास करके अगर मान लीजिए हमारे नेता काम नहीं करेंगे तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? जो वही है कि अगर इससे भी नहीं बनता, आपने छोटे छोटे ज़रूरत के लिए जाना पड़ता है जी। अगर जैसे कोई सामान ही लाना हुआ तो जाना पड़ता है। अब जब घर है तो यहाँ से तो 4 बार 5 बार 10 बार सारा दिन में हर समय जाना पड़ेगा जी, जी। तो दिक्कत होता है। स्कूल के लिए बच्चे लोगों को जाने में दिक्कत होता है। इधर कूड़ा जो है सो गाछी वृक्षी है, तो अपना मवेशी सबको भी दिक्कत होता है जाने में। इंसान तो कैसे भी चले जाता है, लेकिन मवेशी लोगों को बहुत दिक्कत होता है। कम से कम अभी फिलहाल इतना होना चाहिए कि कम से कम नहीं, अभी बनना तो है, लेकिन आजकल हो रहा है, कम से कम रिपेयर हो जाए, कुछ टाल मटोल हो रहा है, कुछ भी हो जाए जो कम से कम आने जाने में आदमी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे चाचा? हम क्या कहेंगे, 2-3 साल पहले पुराना मुखिया जो थे वो यहाँ से लेकर के नहर तक मंजूरी कराया तो तब जैसे काम होता। यहाँ पर जैसे जमीन वालों ने कुछ जमीन नहीं दिया, उसके कारण से ये रोड भी रुक गया और बाद में भी जमीन का रोड नहीं बन सका। हमारा 4 गो कोला है, पहले कहे थे
बैठार में मुखिया रजिक मुखिया के पास कि पहले हमारे जमीन में एक हाथ इधर बढ़ाओ। क्या ये जमीन निजी जमीन भी है किसी का? क्या निजी कलम से आगे सरकारी जमीन? जी सरकारी रोड है ये 19 कड़ी इसकी चौड़ाई है ये रोड की, तो आप समझ सकते हैं बहुत दिक्कत है चलने फिर। कितना साल की दिक्कत है? 18-19 साल से। 18-19 हाँ, वो हो गए। हम लोग आज तक नहीं बना रोड, कभी नहीं बना, कभी नहीं बना। ये खरंजा जो वसूलो से फेर कर नहीं बना। तो ये थाले में आप लोग वही थाले में जाते हैं आते हैं देखते हैं कितना बड़ा है वहाँ उत्तर से लेकर के वहाँ तक। तो क्या कहेंगे नेतागण को मुखिया को बनाना है? हाँ आजकल आजकल कहते हैं नहीं बनाते हैं। अच्छा तुम लोग कैसे मदरसा जाते हो? मदरसा स्कूल कैसे चाची? कितना दिक्कत? बहुत दिक्कत है बाबू। बाबू कितना उम्र होगा आपका? 80 साल होगा। अब सोच सकते हैं कैमरा सीधा पकड़िए, टेढ़ा है। 80 साल की बूढ़ी है, आप समझ सकते हैं ये सफर कैसे कर सकती है ऐसे रास्ते में। कभी भी घटनाएं हो सकती है। कम से कम हमारे नेतागण कम से कम इनको देखे, इन पर रहम करे। ये क्या कहेंगे? गिर पड़ते हैं। अच्छा कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत है बाबू, बहुत दिक्कत है। जाने पर कितना साल से झेल? 19 साल हो गया। 19 साल? सब वही बताएगा, जितना होगा सब बताएगा उतने। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बूढ़े भी है, बच्चे भी है, जवान भी है, बूढ़ी चाची भी है, दादी भी है, सब है। कम से कम हमारे नेतागण इन पर रहम करे, क्योंकि समझ सकते हैं आप इनकी परेशानी, इनकी दिक्कत। ये आगे बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि बरसात का मौसम नहीं भी होने होता है तो भी यहाँ पर रोड की स्थिति ख़राब रहती है, यहाँ के लोगों का कहना है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जो भी हमारे देखने वाले हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। हमारा काम होता है कि हम लोगों की समस्या को दिखा देना, काम तो हमारे नेता करेंगे।